तो पापा बोले, अरे तुमको कुछ नहीं पता, ये सब पढ़ के कुछ नहीं होता है। किसी के सामने रो नहीं सकता था मैं, रोता था कैंटीन में बैठ के, लाइब्रेरी में अकेले, किताबों में मुंह छुपा के। और अगर मैं विदिन 2-3 स्पैन ऑफ ईयर अगर मैं नहीं सक्सेस कर पाया तो। राउरकेला शहर में 2 यूट्यूबर भाई बहन काफी ज्यादा फेमस हैं, राउरकेला के लोगों को बहुत पसंद आ रहा है उनका जो व्लॉगिंग है। मिस्टर शुभम सर जी, ये आप किस चैनल पे आ गए? ये तो हमारा यूट्यूब चैनल है। सॉरी सॉरी, कैमरा देख के ना प्रोफेशन चालू हो जाता है। ओके, वी कैन अंडरस्टैंड, वी कैन अंडरस्टैंड। ओके, आई एम कमिंग। गाइज, फाइनली हम आज पूरा दिन शुभम के साथ बिताने वाले हैं और देख रहे हो पीछे रिपोर्टिंग चल रही है और अभी एक फ्रेश न्यूज़ मिली है और उसको भी हम कवर करेंगे। शुभम एक्चुअली उसको कवर करने चाह रहे हैं, हम उनके साथ रहेंगे और देखते हैं आज का दिन कैसे जाता है। वी आर रियली एक्साइटेड क्योंकि पहली बार एक रिपोर्टर के साथ हम पूरा दिन बिताने वाले हैं। मेरा नाम शुभम सिंह है, मैं 21 साल का हूँ और मैं राउरकेला का रहने वाला हूँ। क्लास 10th में मेरा अच्छा मार्क आया था और मेरे फ्रेंड्स भी जिनका अच्छा मार्क आया था वो सारे साइंस ले रहे थे, तो मैंने भी साइंस ले लिया क्योंकि मैं क्लास 10 का स्टूडेंट था तो मेरे पास उतने सोचने के लिए खुद का थिंकिंग पावर नहीं था कि मैं क्या लूँ। तो मुझे ना काफ़ी टफ लगता था वो फिजिक्स, वो केमिस्ट्री फार्मूलाज, वो बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्ड, वो मुझे बहुत टफ लगता था। मतलब ऐसा लगता था कि ये मेरा कप ऑफ टी नहीं है, बट स्टिल मैं ट्राई कर रहा हूँ ज़बरदस्ती। न्यूज़ मेरा हमेशा दिमाग में न्यूज़ चलते रहता था, मैं न्यूज़ जितने भी डिबेट शोज होते थे न्यूज़ चैनल्स के, जो रात का शो होता था, जो बड़े एंकर्स जैसे होस्ट करते थे लाइक DNA होस्ट होता था, तो इस टाइप के जितने बड़े शोज थे ना, ये हमेशा मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते थे। मैं इनको हमेशा सुनते रहता था, बड़ा अच्छा लगता था वो क्वेश्चंस का तरीका। तो मैं सोचा कि मुझे भी एक बार ट्राई करना चाहिए। तो उसके बाद हुआ क्या कि मैं घर में आके बोला कि मुझे ना जर्नलिस्ट बनना है, जर्नलिज्म परस्यू करना है। तो घर में सब कोई रेडी थे बट पापा रेडी नहीं थे। पापा का कहना था कि आप गवर्नमेंट कॉलेज में या फिर इस्पात कॉलेज में, म्यूनसिपल में, कहीं पे कोई भी एक स्ट्रीम लेके पढ़ो, रेलवेज की तैयारी करो, एज सोसाइटी हमको कहती है कि सरकारी नौकरी इज़ बेटर। बट मेरे अंदर में हमेशा से एक जर्नलिस्ट बनने का पैशन है। तो हुआ ये कि पापा मान नहीं रहे थे, ही वॉज ट्राइंग टू कन्विंस जैसे अपने बच्चे को कि देख इधर सक्सेस नहीं है। वो मुझे बताते थे जो फैक्चुअल बात है वो सब, कि सरकारी नौकरी बेटर है। पापा को ना नहीं बोलना चाहता था। तो हुआ ये कि एक दिन डिनर हो रहा था, नेक्स्ट डे मुझे गवर्नमेंट कॉलेज जाना था एडमिशन के लिए। रात को हम लोग डिनर खा रहे थे तो मेरे आंखों में आंसू था, तो मैं खा रहा था तो मम्मी ने मुझ पर नोटिस किया और शी वॉज लाइक कि क्या हुआ, क्यों रो रहा? तब मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी मुझे ना गवर्नमेंट कॉलेज या फिर किसी भी कॉलेज में नहीं पढ़ना, मुझे नॉर्मल ग्रेजुएशन डिग्री नहीं करनी है, मैं BJMC करना चाहता हूँ, बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। तो मम्मी बोली तो उसके लिए रो क्यों रहा है? मैं बोला पापा मान नहीं रहे, मैंने पापा को बताया। तो फिर मम्मी पापा को बोली कि कल एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में या फिर किसी भी कॉलेज में कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा बेटा जर्नलिज्म पढ़ेगा। तो पापा बोले अरे तुमको कुछ नहीं पता, ये सब पढ़ के कुछ नहीं होता है। तो फिर उसके बाद मेरा रोना देख के मम्मी ने पापा को मना लिया कि इसका एडमिशन कराइए। जिस दिन हम सुबह एडमिशन कराने जा रहे थे, पापा का उस दिन भी मन नहीं था, वो घर से मुझे बोलते हुए लेके चले कि ये सब तू क्या पढ़ रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, हम लोग के ज़माने में ये सब कुछ नहीं था, तो क्या करेगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे ऐसे कर करके हम लोग कॉलेज गए, मैंने अपना जर्नलिज्म में एडमिशन कराया 3 में और फिर मैंने अपना पढ़ाई शुरू किया। और कहीं ना कहीं यहाँ तक आने का सबसे बड़ा जो एक पॉइंट है जिसको टर्निंग पॉइंट बोला जाता है, लाइफ चेंजिंग पॉइंट बोला जाता है, वो ये था कि मेरे साथ बुलिंग काफ़ी ज़्यादा हुआ मेरे कॉलेज में। मेरे जो क्लासमेट्स थे वो मुझे बुलिंग करते थे, छुप के रोता था क्योंकि इतना बड़ा हो गया था, किसी के सामने रो नहीं सकता था, मैं रोता था कैंटीन में बैठ के, लाइब्रेरी में अकेले, किताबों में मुंह छुपा के। मुझे टॉन्ट मारते रहते हैं कि तू क्या हमेशा फर्स्ट बेंच में जाके बैठ जाता है, सारे नोट्स कंप्लीट करके ले आता है, क्या स्कूल में पढ़ रहा है क्या तू, तो कॉलेज का स्टूडेंट है ना। तो फिर आई वॉज लाइक कि भाई बट मैं ना मतलब लड़के आया हूँ घर से, मेरे को ऐसा नहीं है कि घर वालों ने भेजा है कि जा जर्नलिज्म पढ़ ले, मुझे पढ़ने के लिए अलाउ नहीं किया जा रहा था जर्नलिज्म, मैं लड़के पढ़ रहा हूँ और अगर मैं विदिन 2-3 स्पैन ऑफ ईयर अगर मैं नहीं सक्सेस कर पाया तो मुझे लगता है मैं मास्टर्स आगे जर्नलिज्म में नहीं कर पाऊँगा और मुझे ये ग्रेजुएशन करने के बाद सरकारी नौकरी ही करनी पड़ेगी। एंड फिर उस दिन मैंने सोच लिया कि कुछ भी हो जाए
कुछ भी हो जाए, यही क्लासमेट इसी पढ़ते के दौरान, यही बैचलर डिग्री में पास आउट होने से पहले मैं इस लेवल पे पहुंच जाऊंगा कि ये जो आज क्लासमेट मेरे बुलिंग कर रहे हैं ये सोचते कि काश मैं शुभम की जगह रहता तो आज कितना अच्छा रहता। कोविड का लॉकडाउन लगा, राउरकेला में हमारा लॉकडाउन लगा था लेकिन लोग फॉलो नहीं कर रहे थे शुरुआत में। तो यहाँ पे एक लोकल चैनल है टाइम्स ऑफ उड़ीसा, वो मेरे कांटेक्ट में था। ओनर का नाम खितीश चंद्र बारिक है, तो वो थे। तो मैंने उन्हें एक दिन मैसेज किया कि सर राउरकेला में लॉकडाउन तो लगा है लेकिन लोग नियमों का पालन नहीं करते हैं, अभी भी घूम रहे हैं, आप प्लीज़ अपने चैनल के थ्रू क्यों कुछ नहीं ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं कि लोग स्ट्रिक्टली फॉलो करें। अगर आपको ऐसा लगे कि मेरे थ्रू भी अगर कुछ हो पाता है तो सर मैं रेडी हूँ हेल्प करने के लिए। तो वो बोले कि अच्छा ठीक है, आप जर्नलिज्म के स्टूडेंट हो, हम लोग एक रिपोर्टर ढूंढ रहे थे, क्या आप रिपोर्टिंग कर सकते हो? तो वो मुझे एक दिन एक RTO ऑफिस लेके चल गया, वहाँ पे कुछ आंदोलन चल रहा था ट्रक वालों, ट्रक एसोसिएशन का, और मैंने वहाँ जाके ऑन कैमरा लाइव वन टेक में पूरा आंदोलन समझा दिया, लोगों का बाइट ले लिया, लोगों का प्रॉब्लम, और नेक्स्ट डे अपलोड होने के बाद लोगों का बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन आया। तो वो बहुत खुश हो गए कि ऐसा लाइव रिपोर्टिंग करने के बाद लोग जुड़ रहे हैं हमसे, तो वो बहुत अप्रिशिएट किए। और फिर वो बोले कि आज से तू मेरे चैनल का चीफ एडिटर है, तू जिस जिस एंगल से अब रिपोर्टिंग करेगा हमारा चैनल अब उसी उसी एंगल से चलेगा। लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था मेरा प्रेजेंटेशन का जो वे था। तो फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि एक दिन लोग हमेशा मेरे को बोलते थे कि तू इतना अच्छा कर रहा है, अपना चैनल क्यों नहीं खोल लेता। मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे एक बार ट्राई करना चाहिए, अगर नहीं क्लिक किया तो खितीश भाई तो है, मैं टाइम्स ऑफ उड़ीसा में तो हूँ ही। मैंने उनको बोला कि खितीश भाई मुझे प्लीज़ थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं कुछ करना चाहता हूँ। तो बोले ठीक है, टेक योर टाइम। और फिर उस बीच में मैंने अपना एक टीम रेडी किया, मैंने ऑफिस सेटअप किया, और फिर मैंने इंडियन टाइम्स न्यूज़ का एक फ्रेंचाइजी चैनल TITN राउरकेला यहाँ पे राउरकेला के लोगों के सामने खोल दिया। और फिर जब लोगों का प्यार मिलना शुरू हुआ तो वो इस कदर मिला कि लोग फ़ोन करके बुलाते हैं कि सर आइए यहाँ का प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। जो भी मैं न्यूज़ करता था उससे वो रोड बन जाता था, वो बाउंड्री वॉल अगर गिरा तो वो बाउंड्री वॉल बन जाता था। RMC का ये काम है राउरकेला को स्मार्ट सिटी बनाने का, उसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो गड्ढा खोदा गया है, लोगों का ऐसा कहना है स्थानीय लोगों का कि ये 5 से 6 फुट का गड्ढा है। और यहाँ पे अगर आप बैरिकेडिंग भी देखेंगे तो देखिए सिर्फ ये बैरिकेडिंग किस तरीके से की गई है, दो स्टैंड रख दिया गया है और बीच में एक रस्सी बांध दिया गया है, यहाँ से अगर एक बच्चा जाता है और वो गिर जाता है 5 फुट के गड्ढे में आसानी से वो डूब के मर सकता है, ऐसे में जिम्मेदार कौन हो? क्योंकि मैं राउरकेला में ही पैदा हुआ हूँ और अगर मैं राउरकेला में रह के राउरकेला के डेवलपमेंट के लिए अगर 1% भी दे पाऊँ तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। तो यहाँ पे जितने भी लोग थे वो मुझे अप्रिशिएट करने लगे काफ़ी ज़्यादा और मेरे तरीके को पसंद करने लगे, और ऐसे धीरे धीरे करके आप लोग के सामने TITN राउरकेला खड़ा हो गया। और TITN का सबसे जाना माना फेस शुभम सिंह जर्नलिस्ट, जिसको आप लोग जानते हैं, जो हर जगह जाके रिपोर्टिंग करता है, और बहुत लोग बोलते हैं कि तुम रिपोर्टिंग कम रोस्टिंग करते हो, तो मैं सर कोई अंदर में ऐसा फीलिंग नहीं है कि मैं रोस्टिंग करता हूँ, मैं प्रॉब्लम्स को बताता हूँ। क्योंकि ये जो रोड बन रहा है, जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वो सब हमारे पैसे से होता है, हमारे टैक्स के पैसे से होता है, और अगर ये टैक्स के पैसे ठीक जगह पे इस्तेमाल ना हो तो जर्नलिस्ट को चुभता है, क्योंकि हम लोग को ऐसा पढ़ाया जाता है। और फिर उसके बाद लोग पर्सनली मैसेज करने लगे कि सर यहाँ पे हमें प्रॉब्लम है, और ऐसे धीरे धीरे करके मैं आपके सामने आने लगा, आपका बहुत प्यार मिला, और आप लोग ने आज शुभम सिंह को रिपोर्टर या फिर जर्नलिस्ट शुभम सिंह बनाया। तो जो मेरी उम्र के यंगस्टर्स हैं 20 साल 21 साल के, सक्सेस का नशा कीजिए, पैसे कमाने का नशा कीजिए, जब ये नशा आपको लग जाएगी ना तो सर दिन में नींद नहीं आएगा, और ये नशा आपको ऊपर की तरफ लेके जाएगा। और कभी भी अगर आपको आगे बढ़ना है ना, वो चीज़ कीजिए जो आपको सुकून देती है और उसमें आगे सक्सेस आपको मिल सकता है, आपको पता है। और लोगों की बात में ना आए, वही काम करे जो आपको लगता है कि आपको सक्सेस दे सकती है। शुभम भाई के लिए एक बात मैं तारीफ करूंगा कि राउरकेला में जो भी प्रॉब्लम्स रहते हैं, भले वो सड़क में छोटे छोटे गड्ढे हों या फिर आसमान में उड़ते एरोप्लेन तक, कहीं पे भी कोई इशू होगा, शुभम भाई वहाँ सबसे पहले पहुँचते हैं। उसके लिए शुभम भाई सल्यूट।
और एक्चुअली मैं बताना चाहती हूँ कि वो हर एक रिपोर्टर को मैं सल्यूट करना चाहती हूँ कि जो ये काम करते, सीरियसली इट इज़ अ वेरी टफ जॉब दे आर डूइंग, एंड थैंक यू सो मच शुभम। ये हम लोग का एक सौभाग्य था कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल कर हम लोग को दिया। क्योंकि अभी वीडियो एंड हो रहा है तो मैं पूछ ही लेता हूँ आपसे कि धमकियाँ मिलती है कि नहीं आपको? मिली है, काफ़ी बार मिली है, लेकिन जॉब ऐसा है, प्रोफेशन ऐसा है कि जब से इसमें घुसे हैं बस काम करते जाना है, लोगों का सेवा करते जाना है, धमकियों से नहीं डरना है। क्योंकि धमकियों से अगर भगत सिंह और हमारे जो जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं वो डर गए होते तो शायद आज देश आज़ाद ना होता। इसलिए धमकियों से नहीं डरना है, काम करते जाना है। तो शुभम सर ऐसे ही काम करते रहे, आगे बढ़ते रहेंगे। हेलो, ओके मैं आता हूँ। सॉरी गाइस, मेरे को थोड़ा जाना पड़ेगा, इट्स अर्जेंट। ठीक है, थैंक्स सो मच शुभम। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो लड़की नेक्स्ट कौन? नेक्स्ट कोई भी हो सकता है, तुम, मैं और आप में से कोई भी। तो गाइस अगर आपके अंदर भी ऐसी कोई कहानी है, आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड ऐसी कोई कहानी है जो आपको लगता है कि देख के सामने वाला इंस्पायर हो सकता है, तो देर क्या कर रहे हो, हमसे कॉन्टैक्ट करिए, हम आपकी कहानी पूरे दुनिया के सामने रखेंगे। और होप बहुत सारे ऐसे लोग हमें मिलेंगे जो बहुत लोगों को ऐसे इंस्पायर करना चाहते होंगे। गाइस प्लीज़ वीडियो ख़त्म होने से पहले हम लोग का चैनल लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कर देना, और वो घंटी को तो जरूर दबा देना प्लीज़। जिंदगी को अगर बेहतरीन तरीके से जीना है ना तो सुनो सबकी, पर करो अपने दिल की, क्योंकि हमें खुद से ज़्यादा कोई नहीं पहचान सकता।